on dual nature of radiation and matter. This is our fourth lecture on dual nature of radiation and matter series. We have already taken three lectures already ho chuke hain. Pehla lecture tha classical view on radiation and matter. Dusra lecture tha hamara modern view on radiation and matter. Aur in dono lectures ke upar humne do quiz bhi solve kiye the. Iske baad jo hamara teesra lecture tha wo NCERT content par tha aur CBSE aur state boards ISC ke syllabus par tha. To wahan humne CBSE, ISC और अदर स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन रखा था। अब वहीं पर मैंने आपसे ये कहा था कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाहते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट के किस हिस्से से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी रेफरेंस में ये क्लास है और ये क्लास हमारी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पर पहली क्लास ऐसी हम तीन क्लासेस देंगे। पहली क्लास हमने रखी है ISC बोर्ड पर, दूसरी क्लास हमने रखी है CBSE बोर्ड पर और तीसरी क्लास रखी है हमने स्टेट बोर्ड्स। बेसिकली तीनों ही क्लासेस में सेम क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको तीन भागों में तोड़ा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग टॉपिक से अलग अलग बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हैं, उनको हमको देखना है और एनालिसिस रखना है कि कौन सा बोर्ड किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। तो अभी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ISC प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे होंगे ISC प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स। तो यही हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। हमारे पास तीन पेपर है, एक है पेपर 2018 का, एक है पेपर 2019 का और एक है पेपर 2020 का। तो ये तीन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे तो सिर्फ तीन पेपर है, तो ये तीन पेपर से आपका एनालिसिस काफी अच्छा हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ISC इस चैप्टर को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है या कितना कम इंपॉर्टेंस देता है, ये इससे क्लियर हो जाएगा। तो जो ISC का सिलेबस है वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है, आप देखिए। तो क्योंकि हमें बिल्कुल भी चैप्टर का नॉलेज नहीं, इसलिए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ढूंढने में हमें प्रॉब्लम जा सकती है और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में भी हमें प्रॉब्लम जा सकती है। तो इसलिए मैं हर एक सिलेबस के टॉपिक का दो लाइन में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और उसी से, मतलब ये दो दो लाइन की जो पढ़ाई हमारी, दो दो लाइन की जो स्टडी है, इसी से हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, और फिर हम देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहता भी है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में हम ये पढ़ते हैं कि मैटर और रेडिएशन ये दोनों का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर होता है, मतलब ये वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी मतलब उनके अंदर वेव नेचर भी है, उनमें पार्टिकल नेचर भी है, दोनों नेचर है इसके अंदर, मैटर के अंदर भी और रेडिएशन के अंदर। तो मैटर और रेडिएशन का जो डुअल नेचर होता है उसी को वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है। तो ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। ये था हमारा पहला टॉपिक। ये हमारा क्लियर हुआ, इसका मैट्रिक लगाया। अब हम आगे बढ़ते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा अगला टॉपिक। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ये बता दूं मैं आपको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही सिंपल इफेक्ट होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है। इसमें लाइट की जो रेडिएशन है, लाइट रेडिएशन, उसको हम एक मेटल सरफेस के ऊपर गिराते हैं, इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस पर, और फिर इस मेटल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिशन है वो ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यदि पार्टिकल फिजिक्स की भाषा में मैं बोलूं कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेसिकली इमिशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब हुआ इमिशन। तो जब इमिशन होता है ड्यू टू लाइट, लाइट की वजह से ये इमिशन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फोटोइलेक्ट्रिक। फोटो मींस लाइट, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हुआ। अब ये दूसरे टॉपिक के बाद हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमको कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन है वो लाइट एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी
हैं और इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई वो लाइट एनर्जी है, मिनिमम लाइट एनर्जी है जो हमें देना पड़ेगा किसको, मेटल सरफेस को। फाई वो मिनिमम लाइट एनर्जी है जो हमको देना पड़ेगा मेटल सरफेस को ताकि इलेक्ट्रॉन इमिशन हो सके, तो उसी का नाम है वर्क फंक्शन। तो ये हमारा वर्क फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब देखिए आप वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के बाद इसी में अगला टॉपिक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, अब ये जो एनर्जी होती है लाइट, इसमें दो थोड़े होते हैं। जो एनर्जी है लाइट की उसमें दो थोड़े होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एच और एक होता है न्यू। एच मतलब एक कांस्टेंट है, इस एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू जो कि h से मल्टीप्लाई होता है, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू पता करना है जिसको मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि एनर्जी जो निकल के आया है वो phi के बराबर आए। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर एनर्जी कितनी मिले हमको, वर्क फंक्शन के बराबर मिले। तो लाइट की वो फ्रीक्वेंसी, लाइट की वो फ्रीक्वेंसी जिससे हमें एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर मिल जाए वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, अब हम आते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी वही होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में बस ये अंतर है कि यहाँ पर मैं वेवलेंथ की जगह पर फ्रीक्वेंसी की जगह पर वेवलेंथ लिखूंगा। तो न्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है सी बाय लैम्डा। तो ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो बस यहाँ पर डेफिनेशन जो अभी मैं बोल रहा था वो टर्न हो गई वेवलेंथ के लिए। तो मुझे यहाँ पर वेवलेंथ की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये सी बाय लैम्डा सॉल्व होके जब एच से मल्टीप्लाई हो तो ई की जो वैल्यू आए वो ई की वैल्यू फाई के बराबर आनी चाहिए। बस तो इन दोनों टर्म्स का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इन दोनों टर्म्स का वर्क फंक्शन से लेना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन तीनों आपस में रिलेटेड है। और ये तीनों किसके टॉपिक हुए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि बेसिकली वो क्या रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर तीन टॉपिक थे, तीनों हमने क्लियर कर लिए। वर्क फंक्शन एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिससे ये एनर्जी बनेगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ जिससे ये एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो ये बोलता है कि मैटर और रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बोलता है कि यदि लाइट रेडिएशन मेटल सरफेस पर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा और इसी को बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर तीन चीजें पढ़नी थी। एक चीज थी वर्क फंक्शन, ये एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, और उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और उस एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये हो गई बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हर्ट्ज और लेनार्ड नाम के दो व्यक्तियों ने सबसे पहले कहा था, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हर्ट्ज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो कहलाते हैं हर्ट्ज लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो हर्ट्ज और लेनार्ड ने ये ऑब्जर्व किया, बहुत सिंपल सी बात, कि मेटल सरफेस पर जब लाइट आकर गिरती है फोटो करंट प्रोड्यूस होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हमने नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पर लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यही है हर्ट्ज लेनार्ड ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में, कि मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट, फोटो मतलब लाइट आके गिरी तो करंट बना जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। तो जिस मेटल सरफेस पर आकर ये लाइट गिरती है, तो ये था हमारा हर्ट्ज लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज लेनार्ड ऑब्जर्वेशन तो आपको समझ में आया। अब इसमें कुछ टर्म्स हमको जरूरत पड़ेगी, वो टर्म्स मैं आपको बताता हूँ। एक होती है इसमें इमिटर प्लेट। इमिटर प्लेट वो मेटल सरफेस है जिस पर लाइट आके गिरती है, तो मेटल सरफेस जिस पर लाइट आकर गिरे, ठीक। और जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये वो लाइट है, तो ये इंसिडेंट रेडिएशन इस इमिटर प्लेट पर आकर गिरे। अब इंसिडेंट रेडिएशन हमको क्लियर हो गया और इमिटर प्लेट में क्लियर हो गया, अब आते हैं तो
ये दो चीजें इमिटर प्लेट और इंसिडेंट रेडिएशन, ये तो आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। अब इसमें एक और टॉपिक आप अलग से देख रहे हो, वो है कलेक्टर प्लेट। तो कलेक्टर प्लेट का इनडायरेक्ट यूज होता है फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन में, ये करंट बढ़ाने का या घटाने का काम है। तो आप ये समझ लो बस कलेक्टर प्लेट की ये यूटिलिटी है, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज की मदद से या पोटेंशियल की मदद से ये कैसे करेगा ये हमें देखना, ठीक है। तो आप इतना याद रखो, यदि इस पर कलेक्टर प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, और यदि इस पर नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव वोल्टेज लगाते हो तो ये करंट जो है डिक्रीज होता है। इतना आपको याद, तो सुनिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया होगा, सुनिए ध्यान। इमिटर प्लेट तो आपको समझ में आ गया कि इमिटर प्लेट क्या है, इमिटर प्लेट वो मेटल सरफेस है जिस पर लाइट आगे गिरेगी, जो लाइट आगे गिरेगी वो इंसिडेंट रहेगी। अब कलेक्टर प्लेट क्या करेगा, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज की सहायता से इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे बढ़ाएगा, यदि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया जाए तो करंट बढ़ जाएगा, और यदि नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया जाए तो करंट कम हो जाएगा। बस सिंपल सी बात, ये तीन टॉपिक, ठीक है, ये हर्ट्ज-लेनार्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर आते हैं। इमिटर प्लेट हो गया आपका, कलेक्टर प्लेट हो गया आपका, इंसिडेंट रेडिएशन भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ हर्ट्ज-लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज-लेनार्ड ऑब्जर्वेशन जो हुआ उसका एक्सप्लेनेशन है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक, हर्ट्ज-लेनार्ड ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन। तो एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये है आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। इसमें ये जो एच न्यू है ये इंसिडेंट रेडिएशन उसकी एनर्जी, फाई क्या है रिक्वायर्ड एनर्जी जिसको हम क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन, और के जो है ये है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन चीजें, तो ये थी आपकी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हर्ट्ज-लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। और ये है इक्वेशन एच न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस मैक्सिमम, एच न्यू है इंसिडेंट एनर्जी, फाई है रिक्वायर्ड एनर्जी जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, और के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है के मैक्सिमम। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमको देखनी है, अगला टॉपिक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे ऑन करंट, पहली चीज, और ऑन काइनेटिक एनर्जी। ये दो चीजों का इसका इफेक्ट देखा जाए कि करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने या घटाने से करंट बढ़ता है घटता है, और काइनेटिक एनर्जी पर क्या, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट हमको पढ़ने हैं, पहला फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो करंट में क्या चेंज आएगा, और फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। अब दूसरा है, ये तो हो गया आपका इफेक्ट, ठीक। दूसरा है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का क्या प्रभाव है, इंटेंसिटी का भी इन दोनों पे प्रभाव देखेंगे हम, करंट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और काइनेटिक एनर्जी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा था इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का इफेक्ट निकालना है फिर करंट पर और काइनेटिक एनर्जी पर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई हमारी। अब तीसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, मैंने बताया था कलेक्टर प्लेट पर पोटेंशियल लगाते हैं, उस प्लेट को तो उस पोटेंशियल को ही बोलते हैं। ये जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है इसका मतलब
या वोल्टेज ऑन कलेक्टर। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए इसका नाम है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अगर ये निगेटिव हो जाता, यदि यही चीज हो जाती निगेटिव, यदि ये निगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो ये कहलाता है रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये डिक्रीज करता है रिटार्डिंग। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक। तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं दोनों चीजों पर निकालना है, किस पर, ऑन करेंट एंड ऑन काइनेटिक। तो क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, करेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी इंटेंसिटी का प्रभाव पड़ेगा करेंट पर, ठीक है। इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू करेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का भी करंट पर प्रभाव पड़ता है वो मैं बताई चुका हूँ, और काइनेटिक एनर्जी से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक। अब आते हैं एक और चीज पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये वाला पहले हमारा क्लियर हो गया, ये देख लेते हैं, ये तीन चीजें हमारी क्लियर हुई। फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ता है किस पर, फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ता है केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी का प्रभाव पड़ता है करेंट पर, और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का प्रभाव पड़ेगा केवल करेंट। अब आते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अभी जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल हमने पढ़ा जस्ट उसका अपोजिट है, ये होता है नेगेटिव पोटेंशियल ऑन कलेक्टर प्लेट। तो जो कलेक्टर प्लेट है उस पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, ऐसे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, आई फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो हो जाए, आई यहाँ का करंट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, बस इतनी सी बात है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो कलेक्टर प्लेट पर लगाएं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब जीरो हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये दोनों चीजें साथ में, ठीक, ये याद रखना। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो निगेटिव पोटेंशियल था जो कलेक्टर प्लेट पे दिया जाता है ताकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, करंट क्या हो जाए, जीरो। तो ये पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं ऊपर से। सबसे पहली चीज है वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी ये बताता है कि मैटर और रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। फोटो स्क्रीन के टॉप पर बस आप देखते जाइएगा और बात देगा ध्यान दो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है लाइट रेडिएशन का मेटल सरफेस पे गिरना और इलेक्ट्रॉन का इमिशन। वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम लाइट एनर्जी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सके। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो लाइट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जिससे वर्क फंक्शन बन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसकी वेवलेंथ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। हर्ट्ज लेनार्ड ऑब्जर्वेशन में मेन चीज है इमिटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट और इंसिडेंट रेडिएशन। तो इंसिडेंट रेडिएशन जाके गिरती है इमिटर प्लेट पे और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और कलेक्टर प्लेट जो है इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है और निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम है। अब ये हर्ट्ज और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आया है। तो उसका एलिप्सिस में आप देखते हो कि इंसिडेंट रेडिएशन है और आरएचएस में है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी, ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम तीन चीजें देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का प्रभाव। फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ता है काइनेटिक एनर्जी पर, इंटेंसिटी का प्रभाव पड़ता है करंट पर, और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का प्रभाव पड़ता है करंट पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो निगेटिव पोटेंशियल होता है जो कलेक्टर प्लेट को दिया जाता है ताकि फोटो करंट जीरो हो जाए, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब आते हैं नए टॉपिक पे जिसका नाम है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या है, मैटर वेव्स का मतलब वेव्स एसोसिएटेड विथ मैटर। तो हर वेव मैटर की एक वेव होती है उसको बोलते हैं मैटर वेव एसोसिएटेड विद मैटर। इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो ये मैटर वेव टॉपिक को आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। इस मैटर वेव की एक वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ दी जाती है डी ब्रॉगली इक्वेशन से। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है, या फिर एच अपॉन एम वी, ये दो फॉर्मूले हैं। और इसके अलावा और भी
ब्रॉगली फार्मूले की ये दो बेसिक फार्मूले हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। तो क्या है डी ब्रॉगली रिलेशन? डी ब्रॉगली रिलेशन बताता है वेवलेंथ ऑफ मेटल वेव्स। जो मेटल वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h / p या लैम्डा इक्वल्स टू h / m। यहां पे p क्या है? मोमेंटम, m क्या है? मास, और v है वेलोसिटी। के अलावा और भी इक्वेशन होती हैं इसकी, लेकिन वो अभी हमारे काम के लिए। यहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये था हमारा डी ब्रॉगली रिलेशन, ये भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारे सिलेबस का, वो है डेविसन जर्मर। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? डिफ्रेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन बीम, डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होता है? रिफ्लेक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में रिफ्लेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन बीम का, और रिफ्लेक्शन किसकी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्शन होती है वेव की प्रॉपर्टी। तो इससे पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब मैटर, उसका वेव नेचर भी होता है। तो मैटर का वेव नेचर कन्फर्म हुआ था, मैटर मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, थ्रू डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये इतने आपके टॉपिक थे। अब हम क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं फटाफट, और कुछ काम हमारा बचा है। तीन क्वेश्चन पेपर हम एक एक करके देखने वाले हैं। फिर मैं आपको आईएससी बोर्ड की क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए 70 मार्क्स देते रहते हैं। तो 12 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, तो ये 1 × 12 मार्क्स को आपको समझ में आ गया। 2 से लेकर 12 मतलब 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं, तो ये हो गए 22 मार्क्स। 13 मीन्स मतलब कितने हो गए? 7 क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन आपके होते हैं 3 मार्क्स के, ये हुआ 20। इंटरनल चॉइस नहीं रहती है। और ये 3 क्वेश्चन हुए आपके, 3 क्वेश्चन होते हैं आपके 5 मार्क्स के, 15। तो आप इसको ऐड अप कीजिए और देखिए 70 आ जाएगा आपका। तो ये 70 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव रहते हैं जनरली, ये शॉर्ट आंसर एक प्रकार का। ठीक है, अब इसको आप लॉन्ग आंसर 1 और इसको लॉन्ग आंसर 2 बोल दो, या फिर किसी को आप शॉर्ट आंसर 2 और शॉर्ट आंसर 1 बोल दो, लॉन्ग आंसर ये चलने दो, जैसा आपको बोलना। ठीक है, अब हम एक एक करके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं है क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ नहीं लगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा नहीं लगता, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं लगता। अब आप इस स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का 4 आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये टॉपिक आपका है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं। हमारी क्या थी? हमारी आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी एच न्यू, हमने एनर्जी दी थी और उस एनर्जी के दो काम हुए थे, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक। अब इस न्यू को मैंने सी बाय लैम्डा लिख दी, ये वर्क फंक्शन है और ये काइनेटिक एनर्जी है। इसी को इस क्वेश्चन पेपर में ई मैच से लिखा था। तो देखो आप, आपका ये ऑप्शन जो है किस वाले से मैच कर रहा है आपको देखना। तो ध्यान से देखो आप, आपको एक चीज लिखेंगे ये वाला ऑप्शन बी और इस इक्वेशन को आप मैच करो। ठीक है, ई मैच, तो ये आपका ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, बाकी से नहीं हो रहा है क्योंकि ये बाकी सब अलग अलग भी है, लेकिन ये बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपकी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा सा। आपने अभी तक आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से पढ़ी भी नहीं और आपसे एक ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये एक मार्क्स का पूछा था उन्होंने, तो यहाँ पर एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने सेक्शन में। अब आप सेक्शन बी पर आ जाइए, क्योंकि एक सेक्शन में एक ही क्वेश्चन पूछे, तो सेक्शन बी में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं लिख रहा है। ठीक है, सेक्शन बी हम चलाते जाते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और विथ रेफरेंस टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो दोनों ही चीजें आप जानते हो, थ्योरी में लिखना पड़ेगा। अब आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये बोलती है कि मैटर का डुअल नेचर होता है। ठीक है, मैटर का डुअल नेचर होता है, मैटर का पार्टिकल नेचर भी होता है और मैटर का वेव नेचर भी, और इस वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला भी आपको लिख के बताना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h / p। तो आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या लिखना है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपको लिखना है कि मैटर का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, और इस वेव की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h / p। अब विद रेफरेंस टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ है, अगर इससे
ज्यादा वेवलेंथ ली हमने, वेवलेंथ जब हम पढ़ाते हैं तो एनर्जी कम होती है, एनर्जी डिक्रीजेस। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, यदि आपने उससे ज्यादा एनर्जी मतलब वेवलेंथ बढ़ाई तो फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमने पहले क्या पढ़ा था कि वर्क फंक्शन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये सब, तो सीधी सी बात है आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि इफेक्ट बताना है उसका, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाओगे एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है तो फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है वो कहलाती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो क्वेश्चन बढ़ते हैं 11, 12। अब ये लॉन्ग आंसर में तो इस चैप्टर में कुछ आएगा नहीं आपका। तो ये था आपका पहला पेपर, पहले पेपर में 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है। 3 मार्क्स का आया है आईएससी बोर्ड में। तो अभी तक आप देखिए एक मिथ था आपको, मैंने आईएससी का पेपर इसलिए पहले रखा कि लोगों को लगता है आईएससी का पेपर कठिन है, तो आईएससी का पेपर बिल्कुल एमपी बोर्ड के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एमपी बोर्ड में ही पूछे गए। तो देखो एक तो सबसे पहली बात ये है कोई क्वेश्चन किसी बोर्ड का नहीं होता, वो तो पूछना पूछा गया है या नहीं पूछा गया दैट्स ऑल। तो इसका लेवल बिल्कुल अभी एमपी बोर्ड जैसा बहुत ईजी लेवल है, और ऐसे ही बाकी सारे स्टेट बोर्ड के भी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ अपन एमपी बोर्ड को अकेला नहीं कहेंगे। आईएससी भी एक स्टेट बोर्ड जैसा ही है, यूपी बिहार साइड ज्यादा चलता है इसलिए बस आईएससी इसका नाम है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अगले पेपर में, देखते हैं तेरा पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा पेपर हमारा स्टार्ट हुआ ये 2019। इसमें आप एग्जैक्टली देखिए वही क्वेश्चन नंबर के आसपास देखिएगा, या तो हमने फोर्थ देखा था, फोर्थ देखा, फोर्थ के बाद ही फिफ्थ। ध्यान से देखिए फिफ्थ में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसमें, एनर्जी एसोसिएटेड ऑफ विद लाइट ऑफ द फॉलोइंग कलर इज मिनिमम। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एनर्जी के दो फॉर्मूले पढ़े थे एच न्यू, और एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पर हम ये एच सी बाय लैम्डा वाले का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ का काम। तो हमें मालूम है कि इन सारे कलर में जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो रेड की है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है रेड, तो लैम्डा आर जो है मैक्सिमम, और सबसे कम वायलेट की। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम। अब यहाँ पर आप इक्वेशन में देखोगे कि एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है लैम्डा से, मतलब यदि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, इस वजह से एनर्जी ऑफ रेड विल बी मिनिमम और एनर्जी ऑफ वायलेट विल बी मैक्सिमम। तो ये सीधी सी बात कि ये जो वायलेट वाला है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है इसलिए इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जो ये रेड वाला है इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी मिनिमम होगी। ये बीच वाले ये दो जो है इंटरमीडिएट, तो इनकी बात ही नहीं करनी हमको, क्योंकि हमको सिर्फ किसकी बात करनी है मिनिमम। तो मिनिमम किसका हुआ रेड, इसका आंसर है रेड। चलिए अगला क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब हम सेक्शन बी में देखते हैं क्वेश्चन को, वही 9 या 10 के आसपास आपको ये क्वेश्चन मिलता है, ये देखिए 10th नंबर पे मिल गया आपको सीधा सीधा क्वेश्चन। अब इस बार उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह क्या मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी थी, इस बार पूछ लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन वही है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो हम कलेक्टर प्लेट पर लगाते हैं ताकि फोटो करंट कितना हो जाए जीरो हो जाए, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। सिंपल है, एक नंबर के दो क्वेश्चन पूछे उसने, आप में आते 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस पेपर में आपको फिर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कुल मिला के आईएससी बोर्ड का आपने 2 पेपर में पैटर्न देखा कि 3 मार्क्स से वो ज्यादा पूछ ही नहीं रहा इस चैप्टर में, और सिंपल चीजें पूछ रहा है जो कि हमारी सिर्फ साइनोप्सिस पढ़ पढ़ के ही हो गई है, हमें अपने चैप्टर पढ़ाने, हालांकि हमको जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करना है, इस वजह से हम देखें। तो आईएससी वाले बच्चे देख के समझ सकते हैं कि आपके पेपर में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आए हैं, तो यही स्टेट बोर्ड में होगा बाकी सब में, ठीक है। सीबीएसई में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, और वो क्वेश्चन जेई नीट के पुराने क्वेश्चन रहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को एक बार आप करेंगे, अपन लास्ट पेपर कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर है 2020 का। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन पर ही आ गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ग्राफ का, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा अभी क्योंकि ये ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ऐसा रहा हमारा, आया ये एक्सपेक्ट
एक्सपेरिमेंटल स्टडी वाले हिस्से से, इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे हम? एक्सपेरिमेंटल स्टडी से, ठीक है। अभी हम एक बार सिलेबस और देखेंगे और देखेंगे तीन पेपर में एक्सपेरिमेंट, ये अभी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन, ठीक है। और अब चलते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन के आसपास। ये अब से क्वेश्चन आया है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो रिफ्यूट हो गया, और क्या कंक्लूजन निकला डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से, यही कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, मतलब मैटर डुअल नेचर शो करता है। सिंपल क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन ही थे, अब इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो तीन मार्क्स का ही पूछा है आईएससी बोर्ड में, एक दो नंबर का क्वेश्चन है और एक एक नंबर का क्वेश्चन। दो नंबर में भी दो पार्ट आते हैं, तीन क्वेश्चन है बेसिकली जो आपको तैयार करने हैं, और वो जनरली डेफिनेशन बेस्ड ही है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये पेपर हमारे खत्म हो जाए फिर मैं आपको बताऊँ। पेपर की स्कोरिंग के ऊपर हमारा सिलेबस लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपका आईएससी बोर्ड में तो क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाए। सबसे पहली बात कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मतलब बिल्कुल एक एक लाइन में सब कुछ पढ़ना है। डी ब्रॉगली इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए, डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्वेश्चन आया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, डी ब्रॉगली और स्टॉपिंग पोटेंशियल मोस्ट आईएमपी, ठीक है। ये वाले हिस्से में से तो उसने ज्यादा पूछा नहीं, बस एक ही क्वेश्चन आया एक्सपेरिमेंटल स्टडी से, तो मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। और ऊपर से आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसके ऊपर का जो है इसमें से तो कोई खास क्वेश्चन नहीं। मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, इनके डेफिनेशन बस आप याद कर लो, ठीक है। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक ऐसा टॉपिक था, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से एक भी क्वेश्चन हमको सीधा सीधा नहीं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमको सीधे सिर्फ इसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा, वर्क फंक्शन पे कुछ नहीं पूछा, ठीक है। हर्ट्ज रेनार्ड पे पूछे, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जरूर आई। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ग्राफ आए हैं इनके चारों टॉपिक, और फिर बस एक बार हम अदर स्टेट बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं तीसरी क्लास।